हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ललित देवांगन में आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं भोरमदेव। यहां पे जस्ट सामने में है भोरमदेव टेंपल है वो है, और अभी यहां पे हम लोग अंदर जा रहे हैं। और मेन एंट्री गेट जस्ट पीछे में है और एक एंट्री गेट वहाँ पर है, लेकिन ये कि यहाँ पे एक रास्ता निकला हुआ है तो चलते हैं। कुछ भाई लोग आए, उन्हीं के साथ में आज मैं आया हूँ। वैसे मैं दूसरे काम से आया हुआ था, अचानक यहाँ पे आना हुआ, तो चलो इसी बहाने मेरा घूमना भी हो जाएगा और आप लोग को दिखाना भी हो जाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और आप लोग को दिखलाते हैं भोरमदेव टेम्पल अभी कैसा माहौल है, अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर जाने का रास्ता, यहाँ पे है। नारियल वगैरह लेना चाहते तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। बाकी इधर चलते हैं, ये वाला जो रास्ता है मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। वैसे वहाँ पे रास्ता निकला हुआ है, दो रास्ते निकले हुए हैं जिनमें से ये वाला रास्ता मैं चूज़ किया हूँ। ये देखिए डॉग सामने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ भाई लोग आए हुए हैं, आसी पास के हैं, वो लोग आगे चले गए हैं और देखते हैं यहाँ से कहाँ पे एंट्री होता है मंदिर जाने के लिए। तो कुछ सीढ़ी बना हुआ है तो सीढ़ी से अपन चलते हैं। मैं कुछ काम से आया हुआ था, कमरधा से सिलहाटी के लिए आया हुआ था, तो वो मेरा काम नहीं हो पाया। उसके बाद यहाँ अपन पहुँच चुके हैं मंदिर आज देखने के लिए, और आज कैसा माहौल है मंदिर के अंदर वो भी आपको पूरा दिखलाएंगे। तो गाइस, ये रहा सामने मंदिर, वैसे तो भीड़ अभी कम नज़र आ रहा है। चलिए पास से आप लोग को दिखलाते हैं। तो गाइस, उस तरफ से मैं आया हूं और ये जस्ट सामने में है मंदिर, जो कि बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। और एक एंट्री गेट यहां से भी है पीछे वाले रास्ते से। यहां पे एक तालाब भी है, तालाब में पानी भरा है कि नहीं भरा है वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। और एक एंट्री गेट यहाँ से है गाइस। यहाँ का जो रास्ता है सामने से तो बंद है, और हम लोगों ने यहाँ पे साइड में एक जगह है जहाँ पे रखने के लिए, वहाँ पे अपना बाइक वगैरह रखे हुए हैं। और इसके चारों तरफ पूरा मूर्ति जैसे कि स्थापित किए हुए हैं। बाकी जो मेन मंदिर है ना, ये है आपका भोरमदेव टेम्पल, जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ है, जिसमें एक से एक बढ़ कर मूर्ति बने हुए हैं। यहाँ पर जितने भी मूर्ति बने हुए हैं ना, वो कामुक मूर्ति बने हुए हैं। और अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखलाते हैं बाकी बाहर का जो ओवर व्यू है उसको, मंदिर में भगवान जी का दर्शन करने के बाद आप लोगों को दिखलाएंगे। गाइस, तो जस्ट मंदिर के सामने में यहाँ पे है नंदी बैल है, तो आप भी आते हैं ना तो दर्शन करते हुए आगे बढ़िएगा। बहुत ही खूबसूरत सा ये जगह है, और मस्त पेड़ पौधे की वजह से जो यहाँ का जो एरिया है ना, मस्त लग रहा है। और यहाँ पर धूप भी नहीं पड़ रहा है। बाकी अंदर अपन चलते हैं और देखते हैं दर्शन करने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। पिछले टाइम जब मैं आया हुआ था, शूट करने के लिए दिया नहीं था। चलो शूटिंग करने के लिए चलिए गाइस। तो गाइस, अंदर पहुंच चुके हैं हम लोग, और ये मंदिर इस तरह से बना हुआ है। इनमें तीन तरफ आपको दरवाज़ा देखने को मिलेगा, एक साइड यहाँ पे है और एक साइड ये है और एक साइड ये है। यहाँ पे घंटी लगा हुआ है, यहाँ पे दर्शन करने के लिए लोग आए हुए हैं। अंदर चलते हैं और आप लोग को दिखलाते हैं, यहाँ पे शिवलिंग है, और आपको भी हमारे वीडियो के माध्यम से घर बैठे आपको दर्शन कराएंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं मूर्ति रखे हुए हैं इस तरफ। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसकी ये कौन सा मूर्ति है। यहाँ पे भी एक मूर्ति है, ये देखिए गाइस, आप लोग देख सकते हैं, और हमारे वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे दर्शन करें। और मंदिर इस तरह से बना हुआ है। चलिए, लोग दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं, अब हमारा पारी है। अभी इस टाइम उतना ज़्यादा भीड़ भाड़ तो नज़र नहीं आ रहा है। और ये जो मंदिर बना है बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, इसमें बारीकी से जो है डिज़ाइन वगैरह किया हुआ है। तो गाइस, अंदर में यहाँ पे पूजा वगैरह चल रहा है, चलो अंदर चलते हैं। प्रभो प्रभोरा
गाइस तो मंदिर के अंदर में हम गए हुए थे, यहाँ पे शिवलिंग रखा हुआ है और यहाँ पे आप लोग को मैं दिखलाया हूँ, यहाँ पे आज अच्छे से दर्शन करने को मिला हुआ है। जिस टाइम में भीड़ भाड़ होता है उस टाइमिंग में वीडियो शूट करने भी नहीं देते और लोगों की भीड़ की वजह से अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पाता है, तो आज हम अच्छे से दर्शन कर पाए हैं और बाकी जगह आप लोग को दिखलाते हैं। और मंदिर की अगर बात किया जाए गाइस तो मंदिर बहुत ही खूबसूरत सा ये बना हुआ है, बाकी आपको बारीकी से दिखलाते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मंदिर इस तरह से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा ये बना हुआ है। यहाँ पे जो है मूर्ति भी बने हुए हैं जैसे कि आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ये आपको पास से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सुंदर सुंदर जो है मूर्ति वो बने हुए हैं, कुछ कामुक मूर्ति अभी यहाँ पे बने हुए हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये है पूरे हाथी बने हुए इस साइड में, ये देखिए गाइस। आपको दूर से दिखलाता हूँ इस मंदिर को, बहुत ही सुंदर बना हुआ है और यहाँ पे छोटे बड़े करके यहाँ पे आपको और मंदिर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लोग दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे शिव जी की ही मूर्ति स्थापित है यहाँ पे, और जस्ट सामने में है ये देखिए नंदी बैल है। चलिए तो गाइस इस वाले मंदिर में भी भगवान जो है शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है, उसको भी मैंने आप लोग को थोड़ा सा दिखलाया क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है भोला राम विष्णु प्रसाद गुप्ता मुंगेली करके लिखा हुआ है। तो ये कौन से भगवान है शनि, कौन सा है? हाँ पंडित जी, कौन सी माता है ये? काली माता जी। जय माँ जय। तो गाइस ये है काली माता, तो आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से घर बैठे दर्शन करिए। चलिए गाइस आगे चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो है छोटे बड़े करके यहाँ पे आपको मंदिर देखने को मिलेगा। बाकी इस तरफ अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे है काल भैरव बाबा जी का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, और ये जस्ट सामने में देखिए गाइस ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ से अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, धूप की जो रोशनी है वो पड़ रहा है। बैक साइड से आपको दिखलाते हैं, और इस तरफ है गाइस तालाब, तालाब को भी आप लोग को दिखाएंगे। ये है काल भैरव बाबा का मंदिर है, चलिए अंदर दिखलाते हैं आप लोग को। तो गाइस ये है काल भैरव बाबा, और आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से घर बैठे दर्शन करिए। जय काल भैरव बाबा। तो गाइस मैंने आप लोग को दिखला दिया, यहाँ पे है काली माता है और यहाँ पे है काल भैरव बाबा जी का यहाँ पे मंदिर भी है, और यहाँ पे कुछ लोग बैठे भी हुए हैं। बहुत ही सुंदर जगह है गाइस, यहाँ पे मस्त शांत सा लग रहा है। अगर आप शांत माहौल अगर पसंद करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और ये है मंदिर जिसको मैं आप लोग को सामने से दिखला रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा ये बना हुआ है। इसके बाद अपन चलेंगे, ये इस तरफ है तालाब, तालाब साइड अपन चलेंगे और आप लोग को दिखलाएंगे। तो चलिए गाइस दिखलाते हैं आप लोग को इस तरफ का एरिया जो कि है बहुत ही सुंदर लग रहा है ये एरिया। और यहाँ पे देखिए लाइन से पूरी गाड़ी खड़ी हुई है, और ये वाला एरिया से अपन लोग आते थे यहाँ पे देखने के लिए, ये वाला जो है पीछे वाला रास्ता है, और मैंने आप लोग को जो सामने का जो रास्ता है उसको आप लोग को दिखलाया हूँ। बाकी इस तरफ का आप एरिया देख सकते हैं, जैसे कि आपका सावनगर में यहाँ पर आपको भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा। गाइस तो ये है खूबसूरत सा ये तालाब, आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी वगैरह भी भरा हुआ है। बोटिंग की अभी बोटिंग वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है अभी, तो फ़िलहाल एक दो ही बोट नज़र आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे बाल वगैरह कटिंग करा रहे हैं भाई लोग। बाकी आप एरिया देख सकते हैं गाइस, बहुत ही खूबसूरत सा ये एरिया है, और देख रहे हैं सामने में मस्त सुंदर सा ये एरिया। वहाँ पर है भगवान शिव जी की मूर्ति है, देखते हैं जाने का अगर होगा तो अपन चलेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं। वहाँ पे सामने में है ये लक्ष्मण झूला भी बना हुआ है,
पिछले दफ़ा जब मैं आया हुआ था ना, तो ये जाने का रास्ता बना हुआ है। यहाँ से अपन जा सकते हैं वहाँ पे, जहाँ पे कुछ लड़की लोग हैं, आपको कैमरे में अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा, वो है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला के बाद वहाँ पे आपको शंकर भगवान देखने को मिलेगा, जो कि अभी पेड़ की वजह से ढके हुए हैं। और ये तालाब है, अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये जगह है गाइस। चलिए, तालाब का एरिया अपन कवर कर लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। वैसे मैंने आप लोग को सब एरिया दिखला दिया है, हो सकता है गार्डन एरिया जाना होगा तो आप लोग को भी गार्डन एरिया दिखलाते हैं। चलिए गाइस, आगे चलते हैं। और लगभग मैंने आप लोग को यहाँ का जो है एरिया पूरा दिखा दिया है, उधर गार्डन एरिया है। तो गार्डन एरिया अपन अभी नहीं जा रहे हैं, और ये आसपास का एरिया देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। प्लान वैसे आज का कहीं था, लेकिन आना कहीं हो गया, तो इसी बहाने हमारा भी दर्शन हो गया यहाँ पर भगवान शिव जी का। तो आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से मस्त घर बैठे दर्शन किए ही होंगे, बड़े आराम से किए होंगे। सीज़न में तो उतना अच्छे से नहीं हो पाता, लेकिन अभी इस सीज़न में अच्छे से हो पाया है। तो गाइस, मैंने आप लोग को हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखलाया हूँ यहाँ पे भोरमदेव का टेम्पल, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा टेम्पल है। अगर आप आते हैं तो कवर्धा से बिल्कुल यहाँ पर पहुँच सकते हैं। कवर्धा से अराउंड लगभग वही 15 से 20 किलोमीटर के अराउंड है, और हम लोग कुछ काम से गए हुए थे, वहाँ का काम नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर अचानक आना हो पाया है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।